प्रदेश में चुनावी सरगर्मी है। आज इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में, कोटा में, कोटा का ये इलाका है और यहां से बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। बीजेपी का गढ़ इस सीट को माना जाता है, लेकिन इस बार क्या राजनीतिक संकट है, क्या यहां के मुद्दे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर रामगंज मंडी में कितना विकास पिछले 5 सालों में हुआ, क्या विकास होना अभी बाकी है, और जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने स्तर पर जो चुनावी घोषणाएं कर रही हैं, उन किनकी घोषणा जनता को ज्यादा पसंद आ रही है, कुछ लोग साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपके इलाके में कितना विकास? कुछ भी विकास नहीं हुआ, मौजूदा विधायक ने कोई विकास नहीं किया। विकास क्या, क्या कमी रही, क्या चीजें थी ऐसी? ये तो नस्ती सोच ऐसी बन गई है, या तो बाहर के लोग आते हैं और कुछ भी नहीं कराते हैं। इस बार क्या माहौल है स्थानीय का, स्थानीय माहौल या राजस्थान का माहौल, क्या मिजाज है, क्या आपको किसकी सरकार? राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन फिर भी यहाँ भी बीजेपी के विधायक हैं, उनसे नाराज है? हाँ नाराज है उनसे, काम नहीं कराया उन्होंने, कार्यकर्ता सुनते नहीं है, कार्यकर्ताओं की सुनते, तो कहीं ना कहीं स्थानीय जो लोग हैं उनमें विधायक को लेकर नाराजगी जरूर नजर आ रही है। कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं। भाई साहब, क्या लगता है किस और चल रही है हवा इस बार? देखिए, रामगंज मंडी विधानसभा में सबसे बड़ी मुद्दे वाली जो बात है कि किसी भी पार्टी ने स्थानीय को मौका नहीं दिया। अगर स्थानीय को मौका देते हैं तो मानता हूँ कि जो आप लोगों ने बताया और आप लोगों के जहन में जो चीज़ है कि साहब बीजेपी जो बीजेपी का गढ़ है रामगंज मंडी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बार एक स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलता है तो मैं ये मानता हूँ कि जो 20 साल का जो इतिहास रहा है वो इस बार टूटेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। स्थानीय को टिकट मिले तो चीजें बदलेंगी, लेकिन राजस्थान का मिजाज क्या लगता है, किस कार बन रही है, जो रिवाज बदलने का है वो बरकरार रहेगा या रिवाज टूटेगा? भाई देखिए, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको देखने के बाद ये लग रहा है कि राजस्थान में परिवर्तन से जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है इसमें कोई दोराय नहीं। योजनाओं की बात की जाती है, महिलाओं को लेके, रोजगार को लेके, कितना दम नजर आ रहा है इन घोषणाओं में? नहीं, में तो दम है, देखो उसका कितना उपयोग कर पाता है, योजना में बहुत दम है। अभी जो शिक्षा में और चिकित्सा में जो किया है वो अनुकरणीय है। आज इतने लोगों को लाभ मिला है चिकित्सा में, तो मैं जानता हूँ, मैं चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, बड़े बड़े लोगों ने भी, हर पार्टी के आदमी ने उसका लाभ लिया योजना का। हार्ट के ऑपरेशन सुनो, मैंने गिनती में बहुत सारे हुए, बड़े बड़े हुए, जो लोग नहीं करा सकते थे खर्च, उन लोगों को बहुत मदद मिली है रामगंज मंडी के क्षेत्र को। इस बार क्या मिजाज है रामगंज मंडी का, क्या जो परंपरा चल रही है बरकरार रहेगी? से भारतीय जनता पार्टी सुनो चुनाव जीतती आ रही है, पर ऐसा लग रहा है कि सर्वमान्य कोई नेता होना चाहिए, ये सर्वमान्य जो प्यारे विधायक हैं वो सर्वमान्य नहीं है। इसके पहले हरि कुमार जी ओदिच सुनो सर्वमान्य, हरीश शर्मा सर्वमान्य, राम किशन जी वर्मा सर्वमान्य, ये सर्वमान्य नहीं है, ये संबंधों में थोड़ा सा फर्क डालते हैं। और राम मंडी का जो कस्बा है ये शांत प्रिय है। आपके यहाँ विकास हुआ, सड़कें टूटी हुई हैं क्या? विकास मतलब जो होना है हुआ, ऐसी बात है, विकास नहीं हुआ, हुआ है ऐसी बात, विकास नहीं हुआ। ताकली बांध का भी देख लीजिए, उसमें भी काफी लोगों को राहत मिली है, और राम मंडी में जो हमारा पास का खैराबाद का जो कस्बा है उसमें महात्मा गांधी का स्कूल खुला है, और चेचट में तहसील बनी है, और सुकेत में नगर पालिका बनी है। ये राम मंडी के क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास है, और केंद्र में हमारे शीर्ष बैठे हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला, जो शिरा है वो भी इसी क्षेत्र के ही लोकसभा में चुनाते हैं। छोटा सा टुकड़ा वो अभी तक ठीक नहीं कर पाए कुदल मांडोड, और लोग इतने परेशान हैं कि बहुत बुद्धवा देते हैं, बच्चे जा नहीं सकते, वहां भी महाविद्यालय पास में है, यही कांग्रेस की थी। और पानी का जो सवाल है, जो गांधी सागर की पानी की योजना है, ये भी कांग्रेस के राज में थी। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं ये संबंधों को बना के नहीं चलते, और वो पहचानते भी नहीं, 1-2 महीने पहले कोई इंसान मिले, कार्यकर्ता मिले, तो ये नहीं पहचानते कि यार ये रामस्वरूप है, ये नंद किशोर है, नहीं जानते। क्षेत्र में दिखते थे क्या विधायक? नहीं दिखते, और दिखते हैं सुनो तो वो थोड़ा सा इस तरीके से व्यवहार आते हैं जो संबंधों में दिक्कत आती है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है इस बार राजस्थान का मिजाज, आप इलाके में क्या माहौल है? माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, पक्ष में इसलिए कि वर्तमान जो विधायक है मदन जी दिलावर, उन्होंने जो वर्षों पुरानी ताकली जो समस्या रही थी कि सरकार जनता से वादा किया था इनके लिए वो नहीं दे रही थी, तो विधानसभा में ये मांग को प्रमुखता से उठाया, और वो 21 करोड़ रुपए आज तकली जो गरीब जो
मिले हैं तो वह तकलीका बांध आज भराव क्षेत्र में हो चुका है। रही हॉस्पिटल की व्यवस्था, हॉस्पिटल में कोरोना काल में 70 दिन तक आम जन के साथ आंदोलन में था। 70 दिन में कोरोना टाइम पर अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है कि राज्य आम घर की सेवा करना। उस टाइम एकमात्र विधायक मदन जी दिला रामगंज मंडी की जनता कलेक्टर के ऑफिस में बैठना पड़ा बिस्तर लेकर कि मैं जब तक ऑक्सीजन प्लांट यहाँ सेंड होगा जब तक मैं कुर्सी निकलूंगा नहीं बाहर। यही सुना आपको ऑक्सीजन प्लांट सेंशन कराया। हॉस्पिटल में आज तक विधायक के द्वारा जितना फंड दिया जाता है हॉस्पिटल में उनके मुकाबले में आज तक किस विधायक ने इतना फंड नहीं दिया जो उनके कार्यकाल में हुआ। मूलभूत सुविधाओं में जहाँ पर राज्य सरकार जहाँ पर आम जनता के साथ में खड़ी हो नहीं रही थी, खड़ा रुकदा रोड हो, जुलमी रोड हो, पैसा भी हो, सेंट्रल से पास कराया, केंद्र सरकार से पास कराया। जहाँ तक ओम बिरला की बात आ रही है, भाई साहब हमारे लोकसभा स्पीकर आदरणीय है, उन्होंने आदरणीय लोकसभा स्पीकर राजस्थान में आज वो नहीं होते तो राजस्थान की जनता क्या होता, कितने ऑक्सीजन कंटेनर वगैरह बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर आई है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की गाड़ियां आई हैं, कोविड में काम हुआ। आपको क्या लगता है कि जिस हालात इस बार है प्रदेश में, क्या लगता है रामगंज बदल जाए, यहाँ की विधानसभा को बदल जाए, क्या लगता है क्या रिवाज बदलेगा राजस्थान का? राजस्थान का रिवाज बदलेगा क्यों नहीं बदलेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अभी जो मेरे मित्र ये कह रहे थे कि ताकली बांध भी है ना, वसुंधरा जी राजे सिंधिया साहब लेकर आई है यहाँ पर, कांग्रेस कोई देन नहीं है ये रामगंज मंडी में, वसुंधरा जी लाई और ये जो ताकली बांध और जो नर्मदा पाइपलाइन जो यहाँ पर आई जल योजना वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार में आई है और ये इसका जो लाभ उठाना चाहते है ना झूठ बोल और इस प्रकार की बात करके, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा ये यहाँ की जनता जानती है। जब ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व जीतता आया और जीतता रहेगा। लेकिन इस बार लग रहा है कि बीजेपी अपने जो चेहरा है वो घोषित नहीं कर पाई, क्या उसका नुकसान होगा? ये पार्टी की ऊपरी व्यवस्था है और यहाँ पर कोई नुकसान वाली बात नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा और खिल के रहेगा, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, भारतीय जनता पार्टी रामगंज मंडी से जीतेगी, 100% जीतेगी। आपके यहाँ क्या क्या रहा पूरा नहीं हुआ, क्या क्या ऐसे मुद्दे थे नहीं हो पाए जो काम अधूरे हैं रामगंज मंडी? एक तरफ तो सीएम साहब गहलोत जी कहते हैं कि आप मांगते चाहोगे, लेकिन उन्होंने राजनीति में कुछ भी नहीं दिया। सभी लोगों ने सर्वदलीय 7 दिन तक धन दिया, जिला बनाने की मांग करी, छोटे छोटे कस्बों को जिला बना दिया, राज मंडी इसमें पात्र रहता है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया राज मंडी के लिए। और यहाँ पर निश्चित रूप से हजारों वोटों से कमल का फूल जीतेगा, कैंडिडेट चाहे कोई भी होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, आप जीतेगी। लेकिन भाई साहब आप लोग लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, क्या लगता है आपको इस इलाके में ऐसा क्या है कि बीजेपी लगातार चुनाव जीतेगी? अब नहीं जीतेगी, ये मैंने बोल दिया है। जल योजना का जो बोल रहे हैं इसी से भी पूछ लो कि रामकिशन जी वर्मा के कार्यकाल में हुआ और सारी मंडी जानती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करना छोड़ देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये दोनों जी के लेकर है अगली बार गलत हो तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। हम अभी आप देखो ना प्रभावित हुई उन पर कभी, जब जब कांग्रेस सरकार आई ये योजना प्रभावित हुई, फिर दूसरे युवाओं के साथ देखिए रीट के पेपर हैं। धारीवाल जी यहाँ पर आए थे, धारीवाल जी ने कहा था खजाने की चाबी मेरे पास है, 2010 में वो चाबी का पता लिए और धारीवाल जी कहाँ गायब हो गए और वो यूँ कह रहे हैं कि मैं ये तो मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो होते ही रहेंगे। कहाँ गए खजाने की चाबी आपके, आप तक नहीं पहुँची क्या? रामगंज मंडी तक नहीं पहुंची क्या विकास की? जो गंगा लोग कहते हैं कि धारीवाल जी खुद कहते हैं कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, सुनो इनका है कर्तव्य है, सुनो काम करने का, और काम करने का जो उनका तरीका है, और यहाँ जो बड़े बड़े दो उद्योग है रामगंज मंडी के अंदर, एक कोटा स्टोन है जहाँ हजारों कार्यकर्ता कर रहे हैं, हजारों श्रमिक काम कर रहे हैं, और मंगलम में हजारों श्रमिक काम कर रहे हैं। अगर यहाँ का बीजेपी आरोप लगा रही है कि विकास जो है यहाँ तक नहीं पहुँचा, विकास हुए ना 20 साल तक, ये क्या कर रहे हैं मुझे बताओ आप, क्या कर रहे हैं? खाली सूतली का सांप बनाना, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे।
नितिन जी गडकरी की देन है जो कोटा से यहाँ तक आने में, ये हिंदुत्व का जो कार्ड है, एक हिंदुत्व का कार्ड, एक मिनट चुप जाओ, एक मिनट चुप जाओ, मैं नहीं बोला, एक मिनट आप बताइए आपको क्या लगता है इस बार किस तरह का मिजाज है रामगंज मंडी का? रामगंज मंडी में अगर इस बार नया कैंडिडेट आता है तो कांग्रेस आएगी, और ये विकास की बात कर रहे हैं तो विकास तो बहुत हुआ रामगंज मंडी में, ऑक्सीजन प्लांट धारीवाल जी की देन है, डिवाइडर रोड जो रामगंज मंडी से कुदाइला बन रहा है धारीवाल जी की देन है, और धारीवाल जी ने तो इतना विकास कराया जो इनको याद नहीं कि क्या विकास हुआ, बहुत विकास कराया कांग्रेस ने, और इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा। आपको क्या लगता है क्या विधायक वो ही रहने चाहिए जो है यहाँ पे या बदले? विधायक बदलना चाहिए, विधायक के पास मतलब जातिवाद के अलावा और कोई काम नहीं, बस यही बोलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। विधायक को लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि विधायक बदलना चाहिए, मिलते नहीं है, लोगों से बात नहीं करते, क्या लगता है? देखो ठीक है, अभी वर्तमान में जो विधायक है उनका व्यवहार थोड़ा रूखा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं कराए उन्होंने, और ऐसा भी नहीं है कि काम करने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि रामगंज मंडी में अभी प्रधान साहब एक मिनट, मेरा ये मानना है कि रामगंज मंडी अभी भी वर्तमान में राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र होगा, भले ही यहाँ स्थितियाँ कुछ भी हो, रोड की भले ही बात कर रहे हो, अभी आदरणीय चेयरमैन साहब यहाँ पे बता रहे थे कि धारीवाल जी ने बहुत काम कराए हैं, यहाँ पे एक रोड बनाया है जो डिवाइडर रोड है, एक रोड बनाया है जो डिवाइडर रोड है, एक रोड तीन बार उन्होंने इस बात को बोला, इसके अलावा कोई काम बता नहीं सके। धारीवाल जी अभी कोटा में है, कोटा के रहने वाले हैं, ये जिला भी धारीवाल जी का ही है, लेकिन कोटा में जिस तरह के विकास हुए हैं उसके मुकाबले क्या है, 1% भी विकास हुआ है? मैं यही की नहीं कह रहा हूँ, कोटा जिले की और कोई नगर पालिका देख लो आप, किसी भी नगर पालिका में आप इस तरह के विकास की बात नहीं कर सकते। आपके ठीक पीछे शहीद पन्नालाल जी का चौराया है, कोटा के चौराहों का क्या हाल हो गया, करोड़ों रुपए एक एक चौराहे पे लगे, यहाँ के चौराहे पे 5 रुपए भी नहीं लगे, बार बार डिमांड कर रहे हैं। अंबेडकर जी का चौराया है जिसपे इतनी परेशानी है कि जिस दिन अंबेडकर जी की जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होती है, उस पर माला पहनाने के लिए भी बड़ी परेशानी आती है, हर बार मांग उड़ती है कि भाई इस पर सही ढंग से सीढ़ियाँ लगाई जाए, लेकिन वहाँ पे भी ध्यान नहीं जा रहा। तो करोड़ों रुपए जब कोटा में लगा सकते हैं, छोटी छोटी चिमनी लगा सकते, यहाँ पूरी रामगंज मंडी विधानसभा में एक भी रोडवेज का बस स्टैंड नहीं है, और न यहाँ से, यहाँ का जिला कोटा है, कोटा जाने के लिए एक भी बस डायरेक्ट नहीं है यहाँ से। तो यहाँ पर बस नहीं है, लेकिन इस बार अलग अलग जो योजना है वो घोषणा की जा रही है योजनाओं की, क्या लगता है योजनाओं के दम पर सरकार बन पाएगी फिर से? कांग्रेस की तो जितनी भी योजनाएं सारी झूठी हैं, आप देखिए आपकी यहाँ अन्नपूर्णा के नाम से अपन रसोई लगा रखी थी, उसका नाम इन्होंने इंदिरा रसोई राम रख दिया, कहने का मतलब नाम बदला है। जितने भी यहाँ पंचायतों में भवन थे उनका नाम अटल सेवा केंद्र था, उनका नाम लेके इन्होंने राजीव गांधी, सिर्फ नाम बदल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अभी तक किसी को ये रसोई गैस में कोई छूट नहीं हुई, और दूसरी बात रामगंज मंडी में आप जहाँ खड़े हो ये सारे रोड विधायक कोष से बने, मदन जी दिलावर के कोष से पूरे रामगंज मंडी के शहर बने। कुछ कांग्रेस के लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। प्रधान जी आपको क्या लग रहा है इस बार जो सरकार घोषणाएं कर रही है क्या उनके दम पे रिपीट होगा? सर मैं एक आपसे निवेदन करूं, हमारे भाइयों ने जो भी बोला, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने जो भी बोला, इसमें कितनी सच्चाई आपके सामने है, आप बता रहे हैं अभी बताया नाम बदलने का काम, नाम बदलने का काम किसने किया, मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूँ, राजीव गांधी सेवा केंद्र अटल बिहारी किसने करा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसने किया था? नाम बदलने की राजनीति के अलावा कई मुद्दे हैं, ओपीएस का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, दोनों ही पार्टी अपने अपने स्तर पर दावे कर रही है, किसके दावों में आपको दम नजर आ रहा है, किसके दावे राजस्थान में चल रहे? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आएगी, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, और राजस्थान के अंदर कांग्रेस आएगी 100%। और मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाइयों ने अभी जो बताया, मदन जी दिलावर यहाँ से विधायक है, ये बोल रहे काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सर? विधायक तो वो है ना, बाप बन के कोई नेता था, बेटा भाग के मांगने जाते तो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत उनको देते, जबरदस्ती कोई नहीं देता था, विधायक यहाँ उनका हक बनता काम करने का। इस बार क्या आप स्थानीय उम्मीदवार की उम्मीद कर रहे हैं या क्या? सर मैं एक निवेदन करूं, कांग्रेस पार्टी ने हर समाज से स्थानीय उम्मीदवार उतारा यहाँ से, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उतरती है, क्यों नहीं उतारा उन्होंने, बाहर के आदमी को क्यों लेके बिठाता है? कोई भारतीय जनता पार्टी मर्द का मुंह अपने यहाँ भी है, देखे उतार के देखे, हमारे कांग्रेस पार्टी ने हर समाज के
प्रत्याशी बनाए, यहाँ से राजपूत बनाए, मुसलमान बनाए, बनिया बनाए और ब्राह्मण बनाए, इन भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछना चाहता हूँ किसी को बड़ो करो बनाया, नरेंद्र जी राजा साहब पूछ रहा हूँ, दिया बीजेपी ने आपको टिकट दिया क्या? दे देंगे, आगे आए तो अब दे देंगे। और आज हम विश्वास रखिए, निश्चित रूप इस बार भारतीय जनता पार्टी, इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे इसी पे विचार कर रही है कि स्थानीय आदमी को ही टिकट दिया जाए। और आप मान लें कि स्थानीय को ही टिकट मिलेगा, कैंडिडेट होगा वो एक अलग बात है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है उसी को हम कैंडिडेट मानते हैं। अभी घोषणा नहीं है, घोषणा हो जाएगी, आपकी ये मुराद भी पूरी करेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है आपको, क्या मुराद होगी रामगंज मंडी में? जैसे अभी माननीय भाई साहब हमारे पूर्व प्रधान जी राजेंद्र जी सिसोदिया जी ने बोला, स्थानीय रामगंज स्थानीय का मतलब, स्थानीय का मतलब क्या होता है? रामगंज मंडी जो विधानसभा है उसका स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, तो मदन दिलावर को दे रखा है ना पार्टी ने। ठीक है, चलो आप सभी से आखिरी सवाल, लहर किसकी? लहर भाजपा की है, भाजपा 150 सीटें पार हो रही है। लहर किसकी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लाती है? आपको क्या लगता है कि श्रीमान अशोक जी गहलोत जो है उनकी जो जन कल्याणकारी योजना है, आज एक गरीब तबके के व्यक्ति को वो जो राशन जो किट दे रहे हैं, चिरंजीवी योजना वो लेकर के आए हैं किसानों के लिए जो वो ये लिखा है, और एक रामगंज मंडी में जो एक एकमात्र महाविद्यालय है जो रामकिशन जी वर्मा जी की देन है, के बाद 20 साल से बीजेपी के विधायक यहाँ बनते आ रहा है लेकिन आज तक उसे पीजी नहीं करवा पाया, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक। मेरे साथ मेरे स्थानीय सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। लंबे समय से यहाँ से वो देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले आप आम पब्लिक से बात करते हैं। भाई क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल है? देखिए साहब, स्थानीय आदमी आए तो रामगंज मंडी का भला होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि स्थानीय आदमी आना चाहिए यार। ये बाहर के लोग आते हैं, जोर समेट के चले जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। अपर तो किसी से मतलब नहीं, मुझे बीजेपी से ही मतलब नहीं और कांग्रेस से ही मतलब नहीं है। काम होना चाहिए और रामगंज मंडी का कोई भला नहीं हुआ। ये बाहर के लोग भला करेंगे भी नहीं, और यहाँ स्थानीय लोग चाहे बीजेपी का बीजेपी से आए चाहे कांग्रेस से आए, लेकिन स्थानीय आदमी आना चाहिए। आप शायद पहली बार वोट डालेंगे, युवा हैं, आपको क्या लगता है किसकी योजनाओं में दम नजर आ रहा है आपको? किसकी योजनाओं में घोषणाओं में आपको दम नजर आ रहा है? कांग्रेस कह रही है कि ओपीएस लेके आएंगे और बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, किसके वादों में आपको ज्यादा दम लग रहा है? देखो, 5 साल जितना भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ वो कोई से भी राज्य में नहीं हुआ। जैसे कि युवाओं का पेपर लीक होना, कई सारे मुद्दे हैं, मतलब जो 5 साल हुए इन्होंने भ्रष्टाचार करा कांग्रेस सरकार। आपको क्या लगता है किसकी लहर है इस बार राजस्थान में? इस बार भाजपा की प्रचंड लहर है और 150 सीटें बीजेपी जीते, लेकिन चेहरा घोषित नहीं कर पाया। चेहरा तो हमारे पार्टी में शुरू से है कि मोदी जी का चेहरा है, और जो भी पार्टी डिक्लेयर करेगी बाद में, भाजपा का जो स्वतंत्र बिल्कुल कार्यकर्ता है जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं हम लोग, और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित को टिकट देगी, लोकल को दो, किसी को भी दो, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। मेरे साथ यहाँ स्थानीय संवाददाता हमारे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, आप लंबे समय से रामगंज मंडी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या लगता है यहाँ का इस सीट का मिजाज क्या होगा इस बार राजस्थान में? देखिए, अभी तक तो फिलहाल जो है दोनों तरफ से भाजपा और कांग्रेस के जो लोग हैं, जो प्रत्याशियों का जो सूची आएगी उसका इंतजार यहाँ फिलहाल तो यहाँ चल रहा है। अभी मदन जी दिलावर जो यहाँ वर्तमान विधायक है, उन्होंने दो नामांकन भी लिया है, कल पर्चा लिया है, तो नामांकन अभी तक तो किसी के भरे नहीं गए हैं। तो लग तो यही रहा है कि जिस प्रकार से जो भाजपा के लोग चाह रहे हैं कि हमारा एमएलए बने, और कांग्रेस के जो एमएलए हैं, ये एमएलए के जो कर रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ से कांग्रेस का एमएलए बने। तो दोनों तरफ से ये देखा जा रहा है कि दोनों अपने अपने उसमें लगे हुए हैं, और फिलहाल जो है कांग्रेस की ये भी अभी यहाँ तक चल रही है। आपको क्या मिजाज है इस सीट का? ठीक है, सीट में अभी तो क्या है, लिस्ट का इंतजार हो रहा है दोनों तरफ से, भाजपा और कांग्रेस जो है दोनों तरफ से लिस्ट का इंतजार कर रही है। और अभी जो यहाँ से वर्तमान विधायक मदन दिलावर जी, उन्होंने नामांकन लिया है, और वो शायद यहाँ से अपनी पूरी वो जता रहे हैं कि बीजेपी क्या सीट बचा पाएगी या बदलाव होगा। देखिए, अभी जिस प्रकार लेकर लगता तो ऐसा है, क्षेत्र में मैं घूम भी रहा हूँ, सभी जगह से ये चर्चाएं भी है कि कांग्रेस ये चाह रही है कि मदन जी को यहाँ से टिकट मिले तो हमारी सीट आसान जाए।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सीट लगातार यहाँ से बीजेपी जीतती हुई आ रही है, लेकिन इस बार यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर स्थानीय उम्मीदवार को उतारा जाता है तो उसके मायने अलग होंगे, लगातार बाहरी उम्मीदवार को लाया जाता है उसका कहीं ना कहीं विरोध जो आम पब्लिक है वो यहाँ पर जताती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अस्मित के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा।